मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि वो आज 15 अगस्त के शुभ अवसर पर अपने शुभ हाथों से झंडा फहराएं। मेरा भारत महान। ये क्या है? और वो रहा तुम्हारा कफन। तूने मिनिस्टर की बेइज्जती की है। बेइज्जती उसकी की जाती है धरपकड़ जिसकी कोई इज्जत हो। तेरा मतलब है मेरी कोई इज्जत नहीं है? मैं ये जनता का चुना हुआ मिनिस्टर हूँ। इन कागजात को उठा कर देख जिसमें साफ साफ लिखा है कि तू मिनिस्टर नहीं, एक बड़ुआ है। बड़ुआ बोला हराम सादे, मैं तेरी वर्दी उतार दूंगा। ये वर्दी हिंदुस्तानी पुलिस की है, तेरे सर की टोपी नहीं, जिसे जब चाहे तू उतार दे। अब पहन इसे और चुपचाप चल मेरे साथ। इनको हथकड़ी मैं पहनाऊंगा। आईजी प्रताप सिंह, आईजी प्रताप सिंह, छोड़ दो मेरे दामाद को, नहीं तो लाशों के ढेर बिछा दूंगा। तेरे सम्मान के लिए मेरे पास इससे अच्छा हार था ही नहीं। ससुर जी, मैं आ रहा हूं। सादा भून दो सालों को। नहीं, हट जाओ। विजय, तुमसे कोई मिलने आया है? मेरा नाम यशवंत देशमुख है। मैं शहर के उस एरिया का इंचार्ज हूं जहां कभी तुम्हारा घर था, तुम्हारे मां बाप थे, एक छोटा सा भाई था, एक खूबसूरत सी जिंदगी थी। मुझे यहां किस लिए बुलाया गया है? हमें अपना दोस्त समझो। जानते हैं मैं किस जुर्म की सजा काट रहा हूं? जानता हूं।
और तजुर्बे के साथ ये भी कह सकता हूं कि जिस जुर्म की सजा तुम काट रहे हो वो तुमने किया नहीं है, तुम्हें फंसाया गया है। इस हमदर्दी की वजह गुंडागर्दी, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब तो आम बात थी, लेकिन लोग अब नए नए धंधों से अमीर बन रहे हैं, और वो है आरडीएक्स, बॉम्ब ब्लास्ट, या दूसरे लफ्जों में जिसे हम मौत का कारोबार कहते हैं। ये कारोबार इस मुल्क के नौजवानों की नसों में फैलाने वाला एक ही आदमी है जिसे हम डॉन के नाम से जानते हैं। जब जानते हैं तो उसे गिरफ्तार करके सजा दिलवाइए, मुझे ये सब बताकर क्या फायदा? डॉन को गिरफ्तार करना इतना आसान काम नहीं है जितना तुम समझ रहे हो। कानून और अदालत रोज उसकी चौखट पर सलाम करने जाते हैं। आई सी, तो बैठे रहिए हाथ पे हाथ रखकर, मरने दीजिए देश के नौजवानों को। देश के नौजवान बच सकते हैं अगर तुम हमारी मदद करो तो। मैं क्या कर सकता हूं? तुम चाहो तो ये डॉन घुटनों के बल चलकर हमारे पास अपनी जिंदगी की भीख मांगने आ सकता है। वो कैसे? जिस तरह लोहा लोहे को काटता है, हम भी उसी के हथियार से उसे मारेंगे। मैं समझा नहीं। डॉन को पैसों से ज्यादा अगर किसी चीज से प्यार है तो वो है उसका इकलौता बेटा। अगर हम किसी तरह से उसके बेटे को किडनैप कर लें तो हम डॉन को उसके गुनाह कबूल करने पर मजबूर कर सकते हैं। शाबाश, तो अब पुलिस वाले गुंडों का काम करेंगे। ये काम पुलिस नहीं करेगी, तुम करोगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि कब एक कैदी जेल से निकला, डॉन के बेटे को किडनैप किया और पुलिस के हवाले कर दिया। यह गलतफहमी आपको कैसे हुई कि यह गुनाह मैं करूंगा? यह गुनाह तुम्हारे उस गुनाह के दाग को मिटा देगा जो तुमने कभी किया ही नहीं है। देखो विजय, अगर तुम पुलिस का साथ दोगे तो हम तुम्हारी बाकी की सजा भी माफ करवा देंगे। इस तस्वीर को देखो, यही है डॉन का बेटा जो तुम्हारे लिए नई जिंदगी का दरवाजा खोल सकता है। जाग रखो। आज तो सिर्फ 3 ट्रक जाने वाले थे, ये 5 ट्रक किसकी मर्जी से जा रहे हैं? सेठ त्रिकाल की मर्जी से। मिस्टर पांडे, ये फैक्ट्री त्रिकाल सेठ की जरूर है, लेकिन यहां से गोला बारूद बगैर मेरी मर्जी के बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से यहां का निगहवान मैं हूं। तुम मिडिल क्लास के लोग सरकार को हर वक्त सर पे सवार क्यों रखते हो? ये लो और अपनी सरकार खुद बनो। इसे पुलिस के हवाले कर दो। तूने मुझ पर हाथ उठाया, मैं तुझे तूने हाथ उठाया। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन अपनी माँ को बेचकर कमाना बहुत बुरी बात है। गार्ड्स, जी सर, इस लाश को उठाकर पुलिस के हवाले कर दो, और याद रखो आज के बाद फैक्ट्री के बाहर कोई सामान विजय साहब की इजाजत के बगैर नहीं जाएगा। जी सर। गुड लक माय सन। सर, आपने अपने इतने पुराने साथी पांडे को मार दिया। जब एक घर के जलने से पूरा गांव बचता हो तो उस घर को जला देना चाहिए, वरना याद रखो उस घर के साथ हम तुम भी जल जाएंगे। सर मैं समझा नहीं। इतनी अकल होती तो तुम हमारे ससुर जी की कुर्सी पे बैठे होते और वो तुम्हारी जगह हाथ बांधे खड़े होते। सॉरी सर। ऊपर वाला भी अपनी फैक्ट्री में ऐसे इंसान कभी कभी बनाता है जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर के बजाय वफादारी, ईमानदारी
ये टूट जाएंगे मगर झुकेंगे नहीं, इसलिए जब तक विजय श्रीवास्तव ड्यूटी पर है आरडीएक्स की सप्लाई बाहर नहीं जानी चाहिए। ये कहां से आ गई? मैं क्या करूँ राम मुझे पुट्ठा मिल गया। साहब यहाँ गाना बजाना मना है। तो फिर तुम क्यों बजा रहे थे? क्या बाजा? ओ मालिक हूँ ना इसलिए। फिर काउंटर पर कौन बैठा है? ना कर। ए राजू, मेम साहब को बोल दो कि टाइम पास करने के लिए यहाँ बैठना मना है। हाँ तो बोलिए मेम साहब, क्या चाहिए आपको? एक गिलास पानी। ये रहा आपका पानी और ये रहा आपका बिल, 7 रुपए 50 पैसे। एक ग्लास पानी का? ये कोई मामूली पानी नहीं है मेम साहब, ये बम्बई का पानी है। इसके चक्कर में पानी वाली बाई दिल्ली चली गई थी और दिल्ली वाली बाई पानी में चली गई थी। ओ ये बात है। हाँ ये बात है। तो तुम्हारे होटल में जो कुछ भी है सब एक एक प्लेट ले आओ। सब? हाँ सब। सब खत्म। ये लो 786 रुपए, फटाफट निकालो। अकाउंट में लिख लो। अकाउंट? कैसा अकाउंट? यहाँ मेरे पति का अकाउंट चलता है। बिटिया क्या नाम है तुम्हारे पति का, मुझे बता दो तो मैं लिख लूं। विजय श्रीवास्तव। जी अंडे।